नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, होलीडे का टाइम आ चुका है, ब्लैक फ्राइडे चल रहा है। मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली डेट क्या है, लेकिन क्रिसमस सब चीज़ें आने वाली हैं। तो ऐसे टाइम में म्यूज़िक प्रोडक्शन की कंपनियां अपने कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालती हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आपको डिस्काउंट के साथ साथ बहुत सारी लाइब्रेरी और प्लगइन्स फ्री में भी डाउनलोड करने को मिलते हैं। और ऐसा ही आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। ये वो लाइब्रेरी है जिसको मैंने पर्सनली खुद परचेज़ किया था यूज़ करने के लिए, और मेरी फेवरेट लाइब्रेरीज में से एक है। आज इसी लाइब्रेरी को मैं आपको बताने वाला हूँ जो नेटिव इंस्ट्रूमेंट ने फ्री कर दिया। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है हिमांशु कटारा, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, और अपने इस चैनल में मैं तरह तरह के जोनर्स का म्यूज़िक प्रोडक्शन का ट्यूटोरियल देता रहता हूँ, और प्लगइन्स के बारे में बताता हूँ, लाइब्रेरीज के बारे में बताता हूँ, वगैरह वगैरह। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने म्यूज़िक प्रोड्यूसर फ्रेंड्स के साथ। मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूसर सही बोला था ना, फिर भी मैं अभी दोबारा करेक्ट कर देता हूँ, कभी कभी फंबलिंग हो जाती है। तो चलो आज आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो, ये लाइब्रेरी है जिसका नाम है ग्लेज। और अगर आपको वोकल चॉप्स टाइप के साउंड्स को अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में यूज़ करना है तो ये लाइब्रेरी बनी है आपके लिए। मैं अपने हेडफोन को लगा लेता हूँ और मैं आपको इसका एक बार डेमो सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये लाइब्रेरी अपने सॉफ्टवेयर में भी ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये है इसका डेमो। तो आपको ये वोकल चॉप सुनाई दे रहा है, ये इस टाइप की लाइब्रेरी है। इसमें अलग अलग टाइप के आप वोकल सैंपल्स हैं जो इस लाइब्रेरी में दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस लाइब्रेरी के मैं कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। जैसे आपको इसमें वर्सेटाइल वोकल्स जो कि आपके अलग अलग जॉनर्स में फिट हो सकते हैं वो मिलते हैं। आप उनमें लीड्स, चॉप्स, वोकल्स, जो भी आप रिफ्स प्ले करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पर आपको 148 टाइप के वोकल्स के प्रीसेट देखने को मिलते हैं। और बाकी एक बार मैं इस लाइब्रेरी को आपको जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर में ये चला के दिखाऊंगा। इस लाइब्रेरी का जो साइज़ है ना, वो 1.38 GB है। और ये जो लाइब्रेरी है वो सपोर्ट करती है फ्री कॉन्टैक्ट प्लेयर और कॉन्टैक्ट को 7.6 से ऊपर। तो अगर आपने नेटिव इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टैक्ट को परचेज भी नहीं किया हुआ है तो आप फ्री कॉन्टैक्ट प्लेयर में भी ये लाइब्रेरी को रन कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ साउंड 200 दिए हुए हैं और प्रीसेट 148 दिए हुए हैं। तो ये लाइब्रेरी है, अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं। मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर में FL Studio में ओपन है लाइब्रेरी। तो जैसे ही आप ओपन करते हो, यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मिलता है उसको हम प्ले करके देखते हैं। अगर आप इसमें हल्का सा रिवर्ब और डाल दोगे, वैसे इसमें हालांकि रिवर्ब पहले से ही डला हुआ है, लेकिन अगर मैं हल्का सा रिवर्ब इसमें डाल देता हूँ, मेरे को नेटिव इंस्ट्रूमेंट का रोम वाला रिवर्ब है वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसको हल्का सा क्या, काफ़ी सारा डाला हुआ है मैंने इसको। अभी मैं रिवर्ब मैंने दिखाया आपको डाल के, अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा दोबारा। तो अभी हम इसके यहाँ पर प्रीसेट्स सुनते हैं अलग अलग। तो जैसे यहाँ पर आपको बेस के कुछ साउंड्स हैं वो देखते हैं। आपने हेडफोन लगा रखा हो ये ध्यान रखना। ये बेस के प्रीसेट्स हैं ना, ये मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मेरे को जो अच्छे लगते हैं वो लीड वाले हैं, वो एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। आगे चलते हैं, ये वाली लीड है ना, ये मैंने अपने म्यूजिक प्रोडक्शन में यूज करी है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं यूज करी है। इसमें अपन रिवर्ब हल्का सा एक्टिवेट करके देखते हैं। बिल्कुल हेवनली फीलिंग आ रही है सुन के। और इसको अभी रिवर्ब को ऑफ कर देते हैं, जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ प्ले करेंगे। तो ये लीड्स के कुछ टाइप्स हैं, मैं अभी लीड्स पर ज़्यादा नहीं जाते हुए अब एफएक्स को देखता हूँ। ये राइजर बनाया है इन्होंने। और एक और एफएक्स देखते हैं।
ये फिलर है, फ्रीक्वेंसी फिलर सा लग रहा है मेरे को। और इसके साथ हम पैड्स को देखते हैं। रिवर्ब के साथ प्ले करके देखें इसी प्रीसेट को। वाओ, बहुत प्योर साउंड आ रहा है। बिल्कुल वोकल्स से ये सारे साउंड को डिराइव किया हुआ है, आपको सुनने में लग रहा होगा। कुछ और पैड्स और प्ले करके देखते हैं। और अब हम परकसिव टाइप के प्रीसेट्स पर चलते हैं। टॉम लाइक रिवर्ब बहुत ज्यादा हो रहा है, रिवर्ब को ऑफ करते हैं। ये वाले प्रीसेट मेरे को पसंद नहीं आ रहे हैं। प्लक पर चलते हैं, देखते हैं प्लक में क्या है। रिवर्ब को एक्टिवेट करते हैं यहां पर। आगे चलते हैं। ये लाइब्रेरी डेफिनेटली फ्री है तो आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए, मैं तो आपको ये कहूंगा। रिफ्स पर देखते हैं। मन ही नहीं भर रहा इस साउंड को प्ले करने से, इतना अच्छा साउंड है। ये सी माइनर पर प्ले किया हुआ है क्या? इसमें नोट्स हैं जो ऐसा लग रहा है इसके प्रीसेट को देखने पर, नाम में सी माइनर आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर इन्होंने ए और बी को भी मर्ज करने का तरीका दिया हुआ है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के साउंड्स हैं, तो जैसे सन ऊ ये वाला हम लेके देखते हैं। और बी को अभी मैं जीरो कर देता हूँ। यहाँ से आप बैलेंस कर सकते हो ए और बी के बीच में, तो जैसे मैंने अभी ए को ही 100% कर दिया है। यहाँ पर ए के अंदर और साउंड है, उनको देखते हैं अपन। किप क्या है ये? किप एम, ये बात ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर अभी रिवर्ब को एक्टिवेट कर रखा है, तो रिवर्ब को बंद करने के बाद साउंड कैसा है? रिवर्ब के बंद करने के बाद भी अच्छा है साउंड। तो ये वाली जो लाइब्रेरी है, अब देखो इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, इनको तो मैं सभी को प्ले करके आपको नहीं सुना सकता, लेकिन ये लाइब्रेरी अभी फ्री अवेलेबल है। और कॉन्टेक्ट प्लेयर जो कि फ्री है ऑलरेडी, आप उसके साथ इस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो। आई थिंक कॉन्टेक्ट प्लेयर फ्री है ना, फ्री कॉन्टेक्ट प्लेयर वाली ही चीज़ लिख रही थी जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये लाइब्रेरी भी आपको पसंद आई होगी। मैं इस तरीके का ऑफर जो भी अच्छे अच्छे हैं वो आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय। Romanica